कुकर में छोले और आलू नमक हल्दी के साथ हम लगाते हैं सीटी। अब हम करेंगे छोले को तैयार। तेल में नमक जीरा डाल दिया, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे लाल करके भून लेंगे थोड़ी देर। और आप सोचे होंगे मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ चाट। जी हाँ, आज हम घर पे ही चाट बनाएंगे और यम्मी चाट का एंजॉय करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सारे पीसे हुए मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, बारीक टमाटर को काट के उसको भी ऐड कर देंगे। और ये बाहर में चाट जो मिलते हैं उससे ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा बिल्कुल ऐसे बनाएंगे हम, क्योंकि बाहर का खाना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, ना खाऊं तो उसके लिए। फिर हम इसमें छोले और आलू, उबले हुए जो आलू हैं उन्हें मैश करके डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सीटी इसको लगा देंगे, क्योंकि हमारे छोले पहले से ही पके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं। अब पापड़ी तैयार करेंगे। बॉल में थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें नमक, अजवाइन, मंगरेला, घी ऐड करने के बाद गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। इसे हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारे जो पापड़ी अच्छा बनेगी। फिर इसे गोल गोल पुड़िया को बेल लेने के बाद हम इसमें कांटे से छेद कर देंगे और हमारी पापड़ी को तल लेंगे। अक्सर जब बच्चे जिद करें इस तरह खाने के तो घर में बना लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें हाइजीनिक नहीं होती और स्वास्थ्य के लिए अक्सर बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि नहीं खानी चाहिए जितना कम हो सके। और अब हम इसे सर्व करते हैं। छोले की डाला, फिर इस पर पापड़ी डाली दो तीन तोड़कर, फिर इसमें हम तल मसाले को ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, जितना तीखा आपको पसंद हो, आप चाहो तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, इमली का पानी, धनिया पत्ता, इसमें दही, और साथ ही ऊपर से थोड़ा सा भुजिया डालेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो बना